लास्ट वीक से ही बिटकॉइन का प्राइस बेरिश मोमेंटम में चल रहा था और कोई भी बाउंस बैक बिटकॉइन के प्राइस में नहीं टिका, जिसका रिजल्ट कल हमें मॉर्निंग में देखने को मिला, जब बिटकॉइन के प्राइस में हमें शार्प गिरावट देखने को मिली थी। बट उसके बाद से मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। मार्केट में गिरावट के पीछे क्या रीज़न था और अब आपको क्या पोजीशन बनानी चाहिए मार्केट में, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली बिटकॉइन ने एक वीक तक स्ट्रगल करने के बाद $40,000 के प्राइस लेवल को कल मॉर्निंग में ब्रेक कर दिया था। लास्ट वीक से बिटकॉइन के प्राइस में हमें स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम दिख रहा था और इसने अपने 50 DMA एंड 100 DMA को भी ब्रेक किया था, जिसके बाद से इसमें सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया था, जिसका रिजल्ट अब हम देख रहे हैं बिटकॉइन के चार्ट पर। कल मॉर्निंग में हमें बिटकॉइन के प्राइस में $1,500 की शार्प गिरावट देखने को मिली थी, बट इस गिरावट के बाद से ही मार्केट में रिकवरी दिख रही है और आज मार्केट फिर से $40,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट 24 आवर से क्रिप्टो मार्केट में बाइंग दिख रही है और मार्केट अभी भी स्टेबल है और ग्रीन जोन में बना हुआ है। बिटकॉइन के चार्ट पर आप देख सकते हैं लास्ट पूरा वीक इसने 40,000 के लेवल को होल्ड करके रखा हुआ था, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, जिसको कल बिटकॉइन ने बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ब्रेक किया और वहां से बाउंस बैक किया। मार्केट में बाइंग के बाद से बुल्स की एंट्री हो गई है। अगर प्राइस 40,000 के ऊपर स्टेबल रहता है तो बुल्स प्राइस को 50 DMA $42,000 के ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। बुल्स ये करने में सक्सेसफुल हुए तो बिटकॉइन फिर से एक बार 45,000 के रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर सकता है। अब देखना ये होगा कि बायर्स 40,000 के लेवल को होल्ड कर पाते हैं या नहीं। अगर बायर इसे होल्ड करने में फेल रहे तो हम बिटकॉइन के सपोर्ट लेवल 37,500 को टच कर सकते हैं। मार्केट में गिरावट के पीछे का रीजन है इंडियन एक्सचेंजेस में डिपॉजिट एंड विड्रॉल की प्रॉब्लम्स। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज करने वाले यूजर्स की तरफ से ये कहना है कि उनको डिपॉजिट एंड विड्रॉ करने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से मॉर्निंग में हमें पैनिक सेलिंग दिखी है। अब तक लोग क्रिप्टो टैक्स को लेकर टेंशन में थे और अब एक नई प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है। इंडिया के दो सबसे बड़े एक्सचेंजेस कॉइनस्विच एंड वजीरेक्स ने टेम्पररली ब्लॉक कर दिया है डिपॉजिट्स को। ये सब स्टार्ट हुआ था दोस्तों आज से कुछ दिन पहले, जब कॉइनबेस ने इंडिया में ऑपरेशन स्टार्ट किया था और इसके लॉन्च के बाद यूजर्स इजीली UPI के थ्रू इसमें डिपॉजिट कर रहे थे, बट एक दिन बाद ही UPI से डिपॉजिट होना बंद हो गया था कॉइनबेस पर, जिसके पीछे का रीजन है NPCI, जिसके अंडर UPI आता है। इनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वुड लाइक टू क्लेरिफाई दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी क्रिप्टो एक्सचेंज यूजिंग UPI। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं पता है क्रिप्टो डिपॉजिट के लिए UPI का यूज किया जा रहा है और वो इस बात से अनअवेयर है। इसके बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर। ऑलमोस्ट सभी डोमेस्टिक एक्सचेंज पर से UPI ऑप्शन अनअवेलेबल हो जाता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, ये प्रॉब्लम हम सभी कई बार फेस कर चुके हैं, बट इस बार यूजर की तरफ से ये भी कहना है कि उनके विड्रॉल में भी काफी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में पैनिक क्रिएट हो रहा है और इसका रिजल्ट आज हमें मार्केट में देखने को मिला है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ने पैनिक में आकर सेलिंग स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा क्रिप्टो यूजर्स अभी तक अच्छे से टैक्स एंड TDS को लेकर भी क्लियर नहीं है। 1 जुलाई से क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर TDS लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद से यह सब चीजें क्लियर हो पाएगी, क्योंकि अभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस में बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ टाइम में टैक्स एंड TDS के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। एक बार जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद गवर्नमेंट एंड एक्सचेंजेस के बीच में सब स्मूथ हो जाएगा, तब तक हम सभी को ये चीजें फेस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए मार्केट में इस टाइम पर। ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर इस टाइम में लॉस में है। इस ईयर की स्टार्टिंग से ही मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जिसकी वजह से सभी का पोर्टफोलियो नेगेटिव हो चुका है। मार्केट में आपको क्या पोजीशन बनानी है, इसके लिए आपको बिटकॉइन के चार्ट को देखना होगा। लास्ट 2 ईयर से क्रिप्टो मार्केट बुलिश ट्रेंड में था और सभी ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इससे अर्न भी किया था, बट राइट नाउ मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। इतने लॉन्ग बुल रन के बाद मार्केट काफी ओवरवैल्यू हो जाता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। सभी मार्केट इस तरह से ही वर्क करती है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखिए। अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों आपको अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखनी चाहिए। वर्ल्ड के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स है, सभी क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूजर्स को, जो दिखा रहा है कि आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो के लिए ब्राइट होने वाला है और अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड भी करके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।